अपनी मांगों को लेकर सभी ब्लॉक के पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए काम बंद किया और गुरुवार से हड़ताल पर बैठ गए। परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण की घोषणा नहीं किए जाने के कारण पंचायत सचिवों के द्वारा ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत सचिव का बजट 2023-24 में शासकीयकरण करने पंचायत मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन बजट में पंचायत सचिव के शासकीयकरण के संबंध में कोई पहल नहीं किए जाने से छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिवों में रोष व्याप्त है और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर सभी ब्लॉक स्तर के पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज तलख कर रहे हैं। पंचायत सचिव हैं ग्रामीण क्षेत्र से और हम लोग लगातार शासकीयकरण की मांग सरकार से करते आए हैं। मेरी ज्वाइनिंग 2010 की है। इससे पहले लगभग 30 साल से हमारे सीनियर्स हैं जो शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं। हर बार शासन से मतलब हड़ताल करके हैं। हड़ताल के माध्यम से हम अपनी मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से हर बार किसी न किसी मंत्री के द्वारा या इस बार CM सर के द्वारा जो है हमारी मांग को पूरी करने का पूरा आश्वासन दिया गया था। बजट में शासकीयकरण के लिए रखेंगे, उसमें बजट के लिए स्पेशल प्रावधान रहेगा सचिवों के लिए, ऐसा आश्वासन दिया गया था। किंतु इस बार भी बजट में सचिवों का इवन जिक्र भी नहीं हुआ, तो इस बात से हम लोग काफ़ी आहत हैं और इस वजह से आज दिनांक से हमने हड़ताल अनिश्चितकालीन रखी हुई है। हम पंचायत सचिव हैं, ग्राम पंचायत में हम लोग कार्य करते हैं। लगभग 28 वर्षों से हम लोग पीड़ित हैं। हमारा एक ही मांग है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण। हम लोग लगभग जमीनी स्तर के हम लोग वो हैं और हम शासन की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र की हो, राज्य की हो, हम लोग पूरी आम पब्लिक तक वो योजनाओं को पहुंचाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो हमसे अछूता है। हमसे ही हो के सभी विभाग सभी कार्य जाते हैं, लेकिन शासन अभी तक हम लोग पूछ परख कुछ नहीं है। और लगभग 2 वर्षों से पंचायत मंत्री हम लोग को आश्वासन देते गए कि आप लोग का मांग पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। और 6 तारीख को बजट था, उनके द्वारा ये पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया था कि जो बजट आ रहा है 23-24 का, उसमें आप लोग का मांग को जरूर रखा जाएगा और सचिव शब्द का वहाँ उद्बोधन होगा और आपका शासकीयकरण हो जाएगा। हम लोग पूरा छत्तीसगढ़, पूरा पंचायत सचिव संघ, हम लोग ये आशा के साथ थे कि हमारा उस दिन शासकीयकरण हो जाएगा, लेकिन उस दिन हमारे बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुआ। बजट में हम लोग का नाम नहीं आया, हम लोग शासकीयकरण के संबंध में कोई भी वो नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बहुत ही रुष्ट हो गए और हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग यहाँ आके हड़ताल में बैठे, लेकिन शासन प्रशासन ने हमको आज रोड में बैठने पर मजबूर कर दिया है कि हम लोग यहाँ बैठे। हम लोग भी जनता से जुड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि जनता का कार्य करें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लेकिन शासन ने हमको मजबूर कर दिया है कि आज हम इस धरना स्थल में बैठे। आगे का सर यह है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसे प्रांत से निर्देश हमको मिलता जाएगा, हम लोग उसी दिशा में हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।